नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सोक चौधरी। साथियों, कुछ नई सीरीज पे मैं बात करना चाहूँगा। मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाए थे। एक्चुअल में होता क्या है कि मेरे व्हाट्सएप पे हालांकि फ़ीस नहीं देते, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन उनकी कंडीशन ये होती है कि पता नहीं लोग कहाँ से क्या करते हैं, जो इस दुनिया में नहीं होता वो उनके पास पहुँच जाता है। एजेंट कहाँ से अवेलेबल करवाते हैं मुझे नहीं पता, वो पूरा का पूरा टोटली फेक होता है। ठीक है साथियों, हम बात करेंगे। साथियों, मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, मैन पावर ऑफिस इन इंडिया, ये मैं इसलिए सोचने पर मजबूर हुआ कि यार इतने लोग ठगे जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ठगने वाले वही लोग ज़्यादातर हैं जो बिना ऑफिस के, बिना कुछ, उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, वो ऐसा काम करते हैं ज़्यादातर, जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे या फिर अखबार में कैसे भी करके बंदों को फंसाना, ये वो करना। मेरी ये मैं ये चाहता हूँ साथियों कि अगर आप किसी मैनपावर ऑफिस के थ्रू विदेश जाते हो या आप किसी कंट्री का काम करवाते हो, बेशक आपका काम मान लीजिए नहीं हुआ, तो कम से कम आप खराब तो नहीं होंगे, आपका पासपोर्ट सुरक्षित रहेगा, आपका पैसा सुरक्षित नहीं होता रहेगा। एक्चुअल में मान लीजिए कहीं अप्लाई कर रहे हो, मैन पावर अथॉरिटी एजेंसी ऑफिस है, तो उसके थ्रू काम नहीं हुआ तो अगला पासपोर्ट वापस करेगा, पासपोर्ट पैसे अगर दिए हैं एडवांस में जमा करवाएं तो उसको वापस करने पड़ेंगे। और एक 99% मान लो, 1% नहीं भी होता है तो उसके ऊपर हम कुछ लीगल एक्शन लेने की तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह है, वो बैठा है करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी लेके। मैन पावर ऑफिस वाले के पास करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी होती, ये माइंड में रखना, तो वो बंदा कहीं भाग नहीं सकता, समझ गए बात को। क्योंकि 50 लाख रुपए तो डिपॉजिट देने होते हैं, फिर उसकी जहां वो बैठा होता है ना, वहां के उनके डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको आपके लोकल स्तर पे आपको मैन पावर लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि आप किसी एजेंसी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आप किसी फालतू लोगों के एजेंटों के चक्कर में ना फंसे। तो आज हम बात करेंगे साथियों, मैन पावर ऑफिस जो अथॉरिटी एजेंसी है विदेश मंत्रालय से, जो अपूर्ड हैं, इंडिया में कितने मैन पावर हैं उनकी बात करेंगे। जैसे बात करते हैं ऑल इंडिया, भारत में कितने मैन पावर ऑफिस हैं, पूरे भारत की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में राज्य, मान लीजिए आप राजस्थान के हैं, आप पंजाब के, आप बिहार के, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी हो, आपके स्टेट में कितने मैन पावर हैं। ठीक है, अब आपके राज्य के जितने, पूरी इंडिया के आ गए, मान लीजिए इंडिया में 5000 मैन पावर हैं, उसके बाद मान लीजिए आप स्टेट में आ गए, आपके स्टेट में मान लो 100 मैन पावर है, सपोज करिए 200 हैं, 300 हैं, उसके बाद आपके जिले में कितने मैन पावर हैं, हो सकता है आपके जिले में ही हो लेकिन आपको नहीं पता, समझ रहे हो बात को। मेरे खुद के लोकल जिले से लोग फ़ोन करते हैं, सर मैन पावर ऑफिस बता दो, उनको नहीं पता होता है, ज़रूरी थोड़ी होता है सबको पता होता है, नहीं होता भाई। फिर तहसील स्तर पर, छोटे से छोटा अपना तहसील आता है वहाँ पर भी आपको मैन पावर ऑफिस हो सकता है। इससे रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूं, अगर मैं कोशिश करूं तो इन स्टेट लेवल का, जिले स्तर, स्टेट, जिला और तहसील, इन और इंडिया, ऑल इंडिया, पूरे के मैन पावर जितने भी हैं, मैं कोशिश करूं अलग अलग वीडियो बनाने की। जैसे राजस्थान में कितने मैन पावर हैं, दूसरे जिले में कितने मैन पावर हैं, आपको मैन पावर लिस्ट प्रोवाइड करवाने की, आपके जिले तक की मैं गारंटी ले लूँगा, जिले में, आपके लोकल जिले में, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भाई बहुत मेहनत होगी, 1000 पन्ने कम से कम मैंने देखा था, बहुत सारे तो इसमें पन्ने हैं, उसको अलग अलग उनका सबका PDF बनाना, उनकी फोटोकॉपी करवाना, बहुत मतलब मेरा 10,000 तो खर्चा है, सीधी मैं बता दूं। फीस लेऊंगा मैं इसमें, फीस लेके आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल करवाऊंगा, मैं खुला बोल रहा हूं भाई YouTube के माध्यम से। अगर ये मैं सोच रहा हूं कि आने वाले टाइम पे मैं ये करूं, ताकि आप 1500 रुपये दे सकते हो लेकिन कम से कम लाखों के नीचे तो नहीं आओ, ईमानदारी से आप मैन पावर ऑफिस के थ्रू काम करवा पाओ, तो आगे आने वाले समय में मैं ये करने की सोच रहा हूँ। इसके लिए मैंने आपसे वीडियो में बना के पहले ही डाल रहा हूँ, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं ज़रूर इस पर अमल करूँगा। जल्दी आपको आपके लोकल, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जहाँ के हैं वहीं पर आपको मैन पावर लिस्ट आपके तहसील में, आपके ज़िले में, आपके स्टेट में, वहीं के मैन पावर ऑफिस आपको मिल जाएंगे जो ईमानदारी से काम करते हैं, भारत में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है साथी, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। इसके साथ में एक चैनल मैंने कानून से रिलेटेड बनाया साथी, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब जाके कर ले, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसमें आपको कानूनी जानकारी सही तरीके से मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।